मजा आता है ऐसे बहुत टाइम बाद मिलो तो। मैं मेरे एरिया में ऐसे मेरे को आके पिकअप ड्रॉप कर लेते हैं और यहाँ पे मेरा तो है। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। भाई साहब अभी हम लोग जा रहे हैं ना दोनों जन मिलके पापा को टिफिन देने को, क्योंकि पापा कल रात से नाइट किए आज डे कर रहे हैं। चले हाँ। चलो पकड़ लो। ये देखो ये अंकल पूरा गिराते गिराते जा रहे हैं आगे तक। हाँ भी लेगा उनका, मतलब अगर कोई बोलेगा नहीं तो आगे नहीं गिरा होगा ना। तो ये देखो यहाँ पे आ गए पापा, अभी इनको दिया जाएगा टिफिन। दो टिफिन दो। ये क्या बकाया सामान कल का। चले चलो जाओ, चले चलो बाय। well guys, अभी तो आ गए हम लोग घर पर। और एक चीज बता दो आपको, ये जो पूजा हो रही है हमारे घर पे पहली बार हो रही है, पहली बार मम्मी ने उठाया है। मम्मी ने पहले ले भाई मुँह नहीं ढकता हूँ ठीक है, छोड़ना मैं पकड़ता हूँ छोड़ना। हाँ दिख रही है तो सो ये पहली बार उठाया है मम्मी ने। और इसके घर पे हमेशा पूजा होता था, इसकी मम्मी बहुत पहले से करती है। तो ये ना मुझे प्रसाद लाकर देती थी जब इसके घर पूजा होती। बेचारी लोग ना रात का उठे हुए 3 बजे का सब काम वाम किया और फिर उसके बाद आराम किया ना। उसके बाद बेचारी लोग हाँ वही बेचारे लोग है ना। हम लोग घर की बहू बेचारी होती। सो अभी सारा पूजा वूजा हो गया है और उसको मतलब जहाँ पे था वो स्नान अपना कर दिया, खाना वाना सब हो गया ना सब। तो लोग का भी खाना नहीं बनेगा। हाँ रात का खाना रात तक खाना होता है। क्या करे। और पनीर की सब्जी बनाई है, मैं ऐसा सुना हूँ। ये खा भी ली है सुबह। और हम लोग आए हैं नीचे वाला, चलो थोड़ा राउंड मार लेते धूप में, अच्छा लग रहा है भाई। देखो सुबह के बज रहे हैं 8:45 और यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब कोई राउंड नहीं मारता है। आज संडे सब आराम कर रहे हैं। जब सुबह उठते ना आप तो मतलब कैसा होता है ना, सुबह उठते ना तो भूख भी लग जाती तो 2 बार खा लेते हो। तो अगर आप लोगों को मोटा होता हो ना तो सुबह उठो, थोड़ी मेहनत करो, 2-3 बार खाओ, फिर सो जाओ, मोटे हो जाओगे। तो अभी हम लोग चल के आ गए हैं प्रभा देवी स्टेशन। तो यहाँ पे बाबू है, बातें कर रहे हैं ये वो। और हम लोग जा रहे हैं, आज हमारे फ्रेंड्स लोगों का मीटअप है। बहुत साल बाद ऐसे अचानक प्लान बना तो बोले चलो जाते हैं। सो लेट्स सी कैसे जाता है। फाइनली इन ट्रेन आफ्टर बहुत टाइम है, मैं मतलब बहुत टाइम के बाद ट्रेन में बैठी हूँ। बाबू तू कब बैठा है ट्रेन में? तो रोज ही जाता है, आज ही वक्त बैठा था। मैं तो बहुत टाइम के बाद बैठी। पहले कैसे कॉलेज वॉलेज जाने के लिए ट्रेन। बाय। ये अभी जाएगा चर्च गेट। ये देखो इतने लेट लोग आते हैं, इतने लेट आते हैं पूछो मत। और अभी एक तो आई नहीं है, बोलती है कि मुझे पता था तुम लोग लेट आओगे इसलिए मैं लेट आ रही हूँ। वाह भाग गई। ये तो सालों बाद मिलते हैं और बात भी नहीं करते, एटीट्यूड मार रहे 1+ लेके। फाइनली हम लोगों को लेट बोलते बोलते ये लड़की लेट आई है। ऐसा मत बोल, मैं ले लूंगी। गाइस ये बोल रही मैं मोटी सो ठीक है। हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट ईयर मिले थे और अभी उसके बाद मिले। हाँ लास्ट ईयर ही मिले थे मैडम। तो 2-4 साल पहले मिले थे। मेरे को ऐसा लग रहा है कॉलेज के बाद आज ही मिले हम लोग। सो अभी मैं इन लोगों के साथ एंजॉय करती हूँ, मस्त फन करती हूँ, फिर मिलती हूँ। फाइनली प्लेस डिसाइड करते करते हम लोग गेटवे पे आके रुके और यहाँ पे सोशल जाएंगे, कुलाबा के सोशल में। और इधर तो इतना चिटचैट। अरे नहीं ले रही थे तुम, हमेशा वही बोलते है ब्लॉग चालू करती है। तो चिटचैट चालू है फ्रेंड्स लोग का, मजा आता है ऐसे बहुत टाइम बाद मिलो। तो मैं मेरे एरिया में मम्मी के यहाँ पे तो यहाँ से मैं घर भी चली जाऊँगी। ये प्लेस डिसाइड हुई कोलाबा सोशल। तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है हमारे साथ। अरे क्या हुआ? अरे ये बोलते कि कर कॉन्फिडेंस। हमारा सोशल का प्लान सारा फ्लॉप हो गया। वहाँ पे इतना रश था क्योंकि आज वीकेंड है तो सब एक दूसरे को गाली दे रहे कि सोशल किया। सो फाइनली किधर आए पता है आपको? दिखाती रुको, मैकडॉनल्ड। हमारा बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। इतनी ज्यादा भूख लग रही है सबको। फाइनली यहाँ पे हमारा खाना आ गया, खाना मतलब स्नैक। बहुत कम चीज डालना है। अभी हम लोगों का हो गया चिटचैट पिटचैट और आइसक्रीम वगैरह सब। अभी हम लोग निकल गए। तो ये लोग अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते में मम्मी के यहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मैं कोलाबा में आई हूँ तो अब मम्मी के यहाँ ही जाती हूँ एक दिन के लिए। कल लेके जाऊंगी। बाय गाइस, अच्छा लगा मिलके। और भी प्लान बनाया करो। हेलो अरे सोनू किधर है? सोनू पहले ही राउंड यार रे। चलो रेडी हो नहीं जाएंगे, तेरे को उसके लिए तो फोन करी थी रेडी होने है की मैक्सी पे जाने। ब्लॉग बंद। सो वेल मैडम तो अपने दोस्त लोग के साथ घूम घाम के चले गए अपने घर पे, लेकिन भैया हम तो ठहरे राम भक्त, हम चले आए यहाँ पे रामनवमी मनाने के लिए फुल जोरों शोरों के साथ। सब चले गए और यहाँ पे देखो बिस्तरा बिस्तरा लग गया सबको सोने के लिए। सोनू अभी ग्राउंड मारने गई थी, आई है तो मैंने इन लोगों को बोला था कि अपन जाते हैं थोड़ा बाहर आइसक्रीम वगैरह खाते हैं। अभी देखते हैं इन लोग का क्या प्लान है। हर स्माइल इज डिफरेंट एकदम शौक हो गई। किधर गई थी? तो मेरे पास सुंदर दीदी आ गए। मैंने सोनू को बोला कि सोनू आजा व्लॉग एंड करते, तो पहले इतना बड़ा वाटरमेलन उठा रही है जो उससे उठेगा भी नहीं, और फिर बोलती कुछ तो लेके आऊंगी, ककड़ी लेके आ रही है। ऑल राइट गाइस, मैं बहुत दिन के बाद मेरी मम्मी के इधर स्टे कर रही हूँ, वो भी मम्मी के गाँव जाने के बाद। मम्मी जब यहाँ पे थी मुंबई में तो रोज बोलती थी की आजा आजा एक दो दिन के लिए रुक जा, पर टाइम ही नहीं मिला और आज मतलब आ गई ऐसे अचानक। सो आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। होप्स आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और मायके में आके एक अच्छा अजीब सा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है दिल को भी और फैमिली को भी, है ना सोनू? है ना? बोल बाय, बोलो बाय, गुड नाइट, बाय बाय करो, टाटा करो, बाय, फ्लाइंग किस। पपी दे मेरे को। कट्टी। वैसे मेरा एक मोटिव जब से पैदा हुई ना, यहाँ पे आके रुकती हूँ तो इसके साथ खेल के ना मन को बहुत अच्छा मतलब महसूस होता है, सुकून होता है। सो मेरे लाइफ में हमेशा से बच्चे थे, कभी ये लड़का देखो ये इतना बड़ा हो गया, कभी ये इतना छोटा था और हम हमारे साथ खेलता कूदता परेशान करता था, और आज ये देखो ये आज वो हमारे बच्चों को खिला आज वो हमारे बच्चों को खिला रहा है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक। तो यहाँ पे मेरी आँख नहीं खुली और ये देखो मेरे पापा मेरे लिए सैंडविच की तैयारी करने लग गए हैं। किसको बता रही है? पापा बोल रहे किसको बता रही है। पापा को हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि मैं पागल हो गई हूँ, ऐसे किसी से भी बात करती रहती हूँ फोन पे। सो मायके की मॉर्निंग मस्त होती है एकदम, आराम से उठो, फिर पापा के हाथ का सैंडविच खाओ, दीदी बना के देगी, ऐश ऐश। बाय। देखो इतने सारे लोग मुझे ड्रॉप करने के लिए आए हैं, है ना? और अभी दो लोग आ रहे हैं, सोनू और उसके पापा। ये देखो कब से आके खड़ा है। अरे इतने फास्ट बस चला रहा था ना जैसे कि रॉकेट, भरपूर। मेरे को लगा मैं तो गई, मेरे आने से पहले मेरा पति आके खड़ा है यहाँ। ऐसे है मेरी लक। तो मायके में पापा ऐसे मेरे को आके पिकअप ड्रॉप कर देते और यहाँ पे मेरा पति। चले, कैसा लगा मेरे बगैर? मजा आया ना? क्या किया? बहुत सोया, बहुत सोया। ये बहुत अनप्रोडक्टिव रहता है मेरे बगैर। चलो देखो इधर मेरी सास मेरा स्वागत करने के लिए नीचे आके कैसे सर्दी पकड़ लिया, स्टीम लो थोड़ा। सो वेल गाइस, आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। होप सो आपको मजा आया। मजा आया तो क्या करना है पता है ना आपको, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय, टाटा। अपना ख्याल रखो, घर वालों का भी ख्याल रखो, बाय।